नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं उषा मशीन S2, जो इसके अंदर आपको थ्रेडिंग कैसे करना है और बॉबिन कैसे भरा जाता है और इसका उपयोग कैसे करते हैं वो बताने वाले। सबसे पहले आपको इसमें धागा डालना है, जो आपकी पट्टी में एक सिरामिक का हॉल दिया गया है। और अभी सबसे पहले हम आपको बॉबिन कैसे भरते हैं वो बताने वाले, धागा डालने का बाद में बताएंगे। तो आपको पहले जो खाली बॉबिन फिलअप करने कैसे करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे एक टेंशन दिया गया है। वो टेंशन से आपको धागा डाल के यहाँ पे बॉबिन में ले लेना है। आपको ये बॉबिन यहाँ पे डाल दीजिए और 3 राउंड मार दीजिए। अभी आपको ये जो है ये एडजस्टेबल पट्टी दी गई है, वो पट्टी को उसके हिसाब से दबा दीजिए और आप मशीन चालू करिए। ये मशीन चालू करने से आप जब भी अगर एक्स्ट्रा खाली बॉबिन भर रहे हो तो पैर को उठा के बॉबिन भरिए, उससे आपकी डाटी और प्लेट में नुकसान नहीं होगा। अभी आप देख लीजिए, ये देखिए आपका बॉबिन फिलअप हो रहा है। ये हम आपको सैंपल के तौर पे खाली बता रहे हैं, अभी हम आपको थ्रेडिंग कैसे करना है वो बताएंगे। ये आपने देख लिया कि धागा ऐसे भरा जाता है। अभी आपको दूसरा जो धागा है वो यहाँ से आपको 2 पिन में लाना है। 2 पिन से आपको यहाँ पे जो गाइड होती है, गाइड में डाल के टेंशन से पार करके आपको ये टेकअप लीवर में लेना है। टेकअप लीवर से लेके आपको ये धागा नीचे यहाँ पे गाइड में देना है और उसके बाद में आप उसको सुई में धागा डाल दीजिए। इससे आपका थ्रेडिंग ये हो गया। आप वापस देख सकते हो, हम आपको पूरा यहाँ पे डिटेल दिखा रहे हैं, ये धागा कैसे कहाँ से आया हुआ है वो आप देख लीजिए। ये टेंशन से कंप्लीट होके आपका धागा यहाँ पे पूरा आया हुआ है। अभी हम आपको मशीन चालू करके बता रहे हैं। ये देखिए इसकी सिलाई कंप्लीट सही आ रही है। अभी आपको हम डायल, ये जो है ये आपका ये जो डायल है उससे स्टिच छोटी बड़ी होती है। आप उसको 5 पे रख के बड़ा टाका ले सकते हो और 1 या 2 पे करके छोटा टाका कर सकते हो। ये जो आपकी टाका स्पीड बढ़ गई है, ये आपकी टाका की टाके की लेंथ भी आपको बढ़ चुकी है, जो आप देख पा रहे हैं। अभी हम आपको उसको छोटा टाका करके बताते हैं। ये आपको टाका छोटा करने के लिए रिवर्स हैंडल दबा के ही डायल को घुमाना है, वरना आपका हैंडल हार्ड घूमेगा और आपको दिक्कत आ सकती है। हम आपको उसको छोटा करके बता रहे हैं 2 नंबर पे, उससे आपका टाका बहुत ही छोटा और फैंसी हो जाएगा। अगर आपको फैंसी वर्क करना है तो आपका टाका छोटा रहेगा। अगर आपको रिवर्स हैंडल रिवर्स करना है तो इससे आप रिवर्स हैंडल दबाओगे तो आपका मशीन रिवर्स जाएगा, जो आप देख रहे हैं। और अगर फॉरवर्ड करना है तो आपको रिवर्स हैंडल छोड़ देना है। तो आपको ये पैनल के बारे में हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आपका ये स्विच चालू होता है और ये आपको पूरा हमने ये दिखाया गया हुआ है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। अभी हम दूसरा ये पूरा पैनल का आपको वीडियो बताने वाले हैं।